जैसे कृष्ण स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर एवी स्कूल फॉर ऑनलाइन क्लासेज, ई क्लासेज। टुडेज क्लास फॉर द 8th क्लास, वी स्टार्ट न्यू पोएम मैकियावेली। द मिस्ट्री कैट, इट इज रोट बाय द रिटन बाय द टीएस एलियट। डू यू हैव ए पेट कैट? क्या आपने कभी एक बिल्ली, जो पालतू बिल्ली को देखा होगा? तो इसमें टीएस एलियट एक मैकियावेली के बारे में बात कर रहे हैं, जो बहुत ही मिस्ट्री कैट है, यानी बहुत ही रहस्यमय कैट है, और जो बहुत ही क्रिमिनल क्राइम जो होता है उस टाइप की कैट है, जो कुछ भी क्राइम करके इधर से उधर भाग जाती है हवा की तरह, उसके बारे में बात की गई है। एक जिंगर कैट है जो बहुत ही हिम्मत वाली, उस कैट के बारे में बात की गई है। मैकियावेली द मिस्ट्री के बीच का द हिडन पोएम, उसके क्या कहते हैं हिडन पोएम, जो पंजे वो जब छिपती है करती है तो छिपे हुए के रूप में बात हो रही है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, और वो एक ऐसी मास्टर है उस क्रिमिनल में, अपराधियों में, कि वो लॉ को तोड़ देती है और कानूनों को, और उसमें मास्टरी प्राप्त कर रखी है। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉर्पियन, द फ्लाइंग स्क्वायर डेस्पेयर, जो कि स्कॉर्पियन के यार्ड से, वहां से वो यार्ड निकली हुई है, द फ्लाइंग स्क्वायर डेस्पेयर। For when they reach the scene of crime, Mackenzie is not there. और जब वहाँ का जो स्क्वाड को, वहाँ के स्क्वाड जो आते हैं स्कॉटलैंड के जो सिपाही होते हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो बहुत ही बुरी ऐसे छिप जाती है कि उसको पकड़ में भी नहीं आती है। Mackenzie is not there. Mackenzie वहाँ नहीं होती। Mackenzie, Mackenzie, there is no one like Mackenzie. तुम्हारे जैसी कोई भी नहीं है Mackenzie, यानी अब आप देखो स्कूल राइटर है एक तरह से, टीएस एलियट जो स्टोरी राइटर करते हैं, और उनके इन जो मिस्ट्रियों में, इन स्टोरियों में वो इनका एलिमेंट्स का पार्ट ज्यादा लेते हैं। तो आप इसके इसके चैनल में भी जाकर देख सकते हैं किस प्रकार मैकियावेली का वर्णन बताया गया है। ही ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वो प्रत्येक मानव कानून को वो तोड़ती है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और उस ग्रेविटी को भी तोड़ देती है, और वो कानूनों को तोड़कर निकलती है। His power of land essence would make a fakir stare. और उसकी शक्ति, उसका पावर इतना है कि वो उड़ भी जाती है और एक फकीर की तरह दिखती है। यानी शक्ति में आप देखो अगर फकीरों में भी, गरीबों में भी, फकीर में भी, बहुत अमीर लोग होते हैं उसमें भी, लेकिन वो दुखी क्योंकि उनका पैसा ऐसा होता है तो वो ऐसे रहते हैं, तो उनमें भी फकीरों में भी वो ऐसे लगती है हवा की तरह उड़ जाती है, पता भी नहीं चलता। And when you reach the scene of crime, Mackenzie is not there. और जब आप क्राइम की जगह, जब अपराध की जगह आप पहुंचते हो तो Mackenzie वहां नहीं होती है। You may sit in the basement, you may look up the air. अब आप बेसमेंट में, एयर में, यानी रूप पर, कहीं पर भी देखो आपको वो नहीं मिलेगी। But I tell you once and once again, Mackenzie is not there. मैं एक बार नहीं, बार बार आपको बात बताता हूँ, Mackenzie इज नॉट देयर, Mackenzie वहां नहीं होती है। Mackenzie एक जिंगर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वो बहुत ही लंबी और मोटी सी होती है, और एक जिंगर कैट, यानी जिंगर का मतलब ऐसे तात्रक होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी एक हिम्मत की, एक साहस की बात की गई है, वो बहुत ही हिम्मत वाली। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, जब आपने कभी किसी बिल्ली को देखा होगा तो उसकी आईज को देखा होगा भी कितनी तेज होती, बिल्ली की तरह आंखें होती है, उसके अंदर ऐसी बिल्ली की तरह आंखें हैं, बहुत तेज, एक सूर्य की तरह तेज चमकने वाली आंखें। His brow is deeply lined and with thought, and his head is highly low. उसकी आईब्रोज भी एक डीपली लाइन की तरह है, बहुत ही तीखी लाइन की तरह, और इसका हेड है जो एक डॉग की तरह है, एक गुम्बद की तरह उसका डॉग बना हुआ है, उसका हेड बना हुआ है। His coat is dusty from neglect. अब देखो उसका कोट बताया गया है, कुछ लोग होते हैं ना कि अपने कोट को ऐसे नेग्लेक्ट करते, नकार देते हैं, जैसे कि सलाया रख दिया और डस्ट भरी रहती है। His coat is neglect from dusty from neglect. His whiskers are unkempt. Whiskers यानी यहाँ इसकी मुझे जो unkempt है, यानी कंघी नहीं की हुई है। His sway is hard from side to side. और उसकी जो बाल है, उसका सर हमेशा बोली चाली से ऐसे घूमता रहता है, with movement like a snake. आपने बताया था ना
अब कैट कैसे वॉक करते हैं, ऐसे नीचे ऐसे ऊपर, कैट वॉक करनी कहते ना, कैट वॉक करने जाते, तो कैट वॉक कैंडिडेट को स्नेक की तरह, एक सांप की तरह अपने मूवमेंट को रखती है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, जब आप ये सोचते हो कि वो आती सोई हुई है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वो हमेशा जगी रहती है। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, फॉर ही इज अ फाइन इन अ फ्लाइंग सेल। और वो ऐसा लगता है कि रिलेटेड तो सैम कैट से है, लेकिन कभी लगता है कि कोई डेविल की तरह, कोई राक्षस की तरह। मॉनेस्ट्रल ऑफ डिप्रेविटी, यानी उसने तो करप्शन में भी, भ्रष्टाचार में भी, मॉरल की बात कर रखी है। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, आप तो कभी गलियों में उसे कभी मिले होंगे। यू मे सी हिम इन ए स्क्वायर, एक चौराहे पर भी कभी आपने उसको देखा होगा। बट वेन ए क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन कभी जब अपराध होता है, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां कभी नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, योर पोएम हैज कंप्लीटेड। यू राइट कर रहा है इन योर नोटबुक, यू राइट द टू सजेस्टेंस ऑफ द मैकेविटी इन योर नोटबुक, एंड आई सेंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ लास्ट चैप्टर। You write in your notebook. If you have any problem, then you WhatsApp me and call me also. Okay. और आपके इसमें जो मैंने अभी मोस्ट पार्ट दे रखा है वो भी राइट करना है। Okay, students.